वाजिब कदर बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ए निजी जी महफल ना हो बल्कि आज भी ये महफल जड़ी है, सारी महफल सरदार है जी नबी पाक की याद मनाई जा रही थी। महफिल मिलाद असा शादियां ब्याह उर्स मेले सारे पर बड़े आसान तरीके नाल और बड़ी मुहब्बत नाल बढ़ चढ़ के हिस्से लेने। मैं एक गल करने तो बाद फिर दो गल्लां तुसां नाल बासा। साढ़े सरकार ने असाबी इकराम और सरकार ने सुसर भी सन, साढ़े खलीफा अव्वल सन हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने कि जिस सरकार ने मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया ना वो कल जन्नत जमाए नाल हो सी जाए। इस सरकार ना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाना मिलादो नबी सरकार की मुहब्बत विच जश्न मनाना ये असा मुसलमान वास्ते सब तो बड़ी महफल होनी। इस तो बड़ी महफल और को नहीं होनी। चीज है कि मौसम ठंड ना आया, बहुत लंबा प्रोग्राम ही नहीं होने लगा। जे चार भरा अस बैठे हैं सरकार दी नात सुनने सुनाने वाले हैं, कोशिश कर सकते तुसा ना जो टाइम गुजरा है तो बड़े पुरखलूस तरीके गुजरा है। सारे सैयद बादशाह वारस हुसैन शाह साहब इतने तशरीफ रखने डगार ना तलक आ मेरे भाई राजा फजल सैन साहब जे खसूसी दावन आ जिन्हों ना राजा शफाकत साहब, राजा यूसुफ साहब, राजा इमरान, राजा वसीम, राजा शाहनवाज साहब और राजा अनायत साहब, जाफर एंड अब्बास साहब और सारे राजा अजीम साहब रजोई ना तलक आ, राजा यूनस छोच और राजा मोहम्मद रियाज खतरास, राजा यासर, राजा निसार साहब खतरास ना तलक आ, राजा सुहेल मेहमान ग्रामी और दिगर जितने भी मेहमान आए और सारे से रखा पर बस ये कुछ चीजा जी ना से जेडे जरूरी से और थोड़ी देर साजी ना उस तो बाद इंशाल्लाह कोशिश कर सके मुहब्बत नाल तुसा ना सुनो तो असा ना सुनाई है। साढ़े भाई गुलफाम साहब तशरीफ रखने पे और लैट जू जू लगनी तो चेहरे दसने ना ये पिछला पासा बिल्कुल नहीं दसना तो साइडा पर दसने पे। बाकी भी है बाप जेडे आए हो वेलकम सारे की थोड़ा जा साजी ना उस तो बाद फिर इंशाल्लाह मैं पेशे हो Thank you.
Thank you.
अगर किसी के महफिल मिलाद है बिलखसूस ये महफल कुल्ला महफल पर अफादियत रखी फोकियत रखी क्योंकि बैसियत मुसलमान साढ़े वास्ते इस तू बड़ा खुशी का एक और दिन कौन ही कि ऐसा उस नबी की आमद खुशियां मनाई है जिस नबी की आमद जिमी और जमा गुरु गुल मां पत्ते पत्ते तो जरे जरे खुशियां मनाई है इंशाल्लाह उला जी मिलाद में बहफल है खुशी नाल तुसो सुने है वैसे सरकार का जिक्र सुनना सुनाना भी इबादत है असा कोशिश भी कर सके तुसा मुहब्बत नाले दुआ सुनो ये जे थोड़े जे बंदे असा दिस रहे ना ये थोड़ी नहीं एक पासा वो बड़ी तादाद सी चंगे बदर इत सरकार नाल के त्रास होते ना मुसलमान सा लेकिन सोने भी थोड़े भी कीमत ज्यादा होनी बजाय इसमें कि पित्तल खरीदे आ जाए फिर वो महफल है इतना दो चार बंदे हैं छे हैं दस हैं सौ हैं पचास हैं इस सरकार की महफल है इस वास्ते इसका मकाम अफजल है तो हूँ इंशाला अल्लाह ने बाबरकत ना तो शुरू करने महफिल पाक ने हवाले ना आए पे जो नबी के
बाबू जरफन दी सजा अगर जिक्र खैर हो पे सर ने उन्हें लिखा मेरे दोस्तों एक सुया पेन मेरा ते कबूल कर लिया सलाम मेरा बीती और ना सुबह शाम मेरा ओ मैं फिर बात विच आने दा शुक्रिया लेकिन चूंकि महफिल मिलाद है इस हवाले नाल मैं थोड़ी जी गल की हमद तो नात भी आ जा सकती वो हमद और नात किस तरह है अगर खुदा ने तलाश करना है उसने हबीब की पहले पौ तलाश मकसूद उस जात के पारी ना दीदार या उसकी तो की मुहब्बत चाहिए क्या कर तलाश मकसूद है पहले तलाश मकसूद है
पहले लोड जाती मुस्तफा ताई इस वास्ते के क्यों जे आशिक लब जाना माशूक लबियो इब्तदा पादा इंतहा ताई फिर अगर तू उसी रजा चाहे भाई अल्लाह की जात माड़े पर राजी हो गए देखो ना आपकी जाई गल है ईसा रू अल्लाह की मने जे उनकी ईसाई असा अल्लाह की वो भी मने लेकिन अस गैर मजहब इस वास्ते आने के रसालत में इकरार नहीं करते नबी की नहीं मने और गैर मजहब मास माए की तैरिया कौम है जी खुदा की भी नहीं मने बाकी सारे को पकवान कोई राम कोई अपनी अपनी बोली बोले लेकिन ऐसा उनकी गैर मजहब इस वास्ते आने काफर काफर का मतलब लफ्जी इनकार करने वाला और जिस नबी ने कलमे तो इनकार किया ऐसा उसकी काफर आने इस वास्ते ये गल आ गई मेरे दोस्तों और राजी जे रब्बे गफूर चाहे राजी जे रब्बे गफूर चाहे थोड़े जे हवाले देने पैने बाद दफा कोई इतराज करने वाले इतराज भी कर ले अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला फरमाने के जिस मिलाद और नबी ने सिलसिले में एक दिरहम भी खर्च किया ना कल जन्नत विच उस उतना कान साड़े करे नाल उस ये सारे सारे खलीफा अवल फरमाने चूंकि एक दो सिर्फ गल्ला इंतजार में रंग कर सा इसलिए जहाँ दौर जाना पे कद टीवी ना स्विच ऑन करो तो कद अखबार चाहो तो अखा भी खून ना लूद हो इतना खून तकड़ा मना भाई एक बंदे पिजा में नहीं मार सके ये फिस्को फजूर कतलो गारत और ना जाने क्या दौर आया और असके दौर चाह रही इस वास्ते इस दौर इंतजाई उसने दरगाह करनी चाहिए तो दुआएं इस्तदावा करनी चाहिए मेरी पसंद ना सब तो चंगा शेरा चुके सैयद बादशाह बैठे भी वारस हो तो बैफल है ले सादात नहीं है चुके नबी ने बैफल है ना इतना नबी ने कुंभ ना वसीला पाई गया था एक अर्ज की थी ओकेड़ी मेरे माल का माफ कर सब सारे लिखा कि माफ कर मैंने लेकिन माफ कर सबू खुदा तेन शामे तस्ता I'm
उस जैन पे असीदा वास्ताई ते जिसने दी यही गदर कटा छोड़ी सैयद साबर शबीदा वास्ताई बे मौला सकंदा जो बाप कारी सारे ने इंतजा है उस तो बाद में मुकम्मल लाभ शुरू कर रहा है। सारे दिल ख्याल करो कि जो लाभ में पढ़ना पाया तुसा भी ये तमन्ना या एक ख्वाहिश है यकीन होनी चाहिए। असा तुसा ने ऐसे कोई चंगे अमाल नहीं कि असा आखा के बड़े इबादत गुजार है जी असा की कोई डर खतरा नहीं। अगर असा तुसा की मान आ तो भरोसा आ सिर्फ सरकारे दो आलम की शफात ना भरोसा है वरना सारे दामन चोर कोई शायद नहीं ये सारा दामन तार तार भी आ खाली भी आ उन्हीं की इल्तिजा ये है मेरे मालका सदका नबी सदका नबी मुहम्मद या जोड़िया सदका नबी मुहम्मद या जोड़िया पूरी इंतजाए जाते बारी कर गई
सारी ये सारी कर गई मेरे माता वक्त मजा दे मेरे वजूद विच दी मस्ती इश्क ले मोहब्बत पारी कर गई ते क्या थोड़ी सी साजानी ना लगा मैं ब्रेक ना लावा गल कर बिलखसूस नबी ने जिक्र खैर वैसे शुरू है असल ईमान भी ताजा सारी बैटरी जैडियां करंट थोड़ा जहां बता आ जा एक कुदरती बात है लबियां दुआवां कीतियां उनते मुहम्मद च पैदा फरमा असी नबूवत नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह अगर चाहना ऐ जिहड़ियां रूहां बैठियां हियां इन दुआ दे घर भी बच्चे होने साढ़े मरहूम भाई और मेरे सरनामी राजा सरजादे शोहेब बाबा असर खुदार की वेलकम आने अगर पिछे से तशरीफ कर लिया ठीक है मेहमान आ सारे सो ही जा सफे पे गल शुरू कर सकते जिक्र शुरू किया सरकार अस इस दुनिया चाहे कोई सारा इख्तियार क्या किसा बंदे का राजा है किसा इख्तियार अपने आप आया कोई किसा ने इख्तियार ना कोई मलक ना कोई चौधरी ना कोई राजा ये अल्लाह ने एक अमर जिस अमर तू अस इस दुनिया में आए लेकिन हिंदुआ के घर भी तो बच्चे पैदा होने पे ना ईसाइया के घर सिखा के घर भी होने असा तुसा इतने भक्तों ने लोकिया कि अल्लाह पाक असा की मुसलमान ने घर पैदा फरमाया और उस मुसलमान ने घर वैसे पिछलिया कौमों भी मुसलमान कहलानिया सी जड़िया जिस जिस नबी ने दीन पर अमल करनिया सी जे कोई ईसाई सा उस दौर ना ईसा ने जमाने ना वो भी मुसलमान सा जो कोई मसीह सा वो भी उस दौर ना मुसलमान सा जे कोई यहूदी सा वो भी उस दौर ना मुसलमान सा लेकिन नबूवत केड़ी नबी दी आमद तो बाद सारे मजहब एज हो गए और सिर्फ कानून सरकारे दो आलम ना लागू हो गया सारे की मन्ना बिना शुबा हकीकत है मनो तुसा जरूर इकरार जरूर करो लेकिन कलमा रसूल पढ़ो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाइए ऐसा कि उनके मोहब्बती चो पैदा फरमाया और कलमा पढ़ने लाने ने घर पैदा फरमाया और उस नबी ने घर उन्ती बनाया जिस नबी ने नबी भी इतना ने पढ़ने गीत गाने छिड़ जाए जिस घड़ी शाहे कोनो मकान की बात पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो जिया की बात सूदो जिया की बात पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो जिया की बात पीर साहब ने बोला जा मैं पढ़िया लात ने चंद शेर इब्तदाई कलमात ने उस तो बाद फिर मैं पुरानी जी भाषाई वो लात ही पढ़ सा लेकिन उस मुताबक पढ़ सा लिखने लिखना माड़ी अकीदत ही है
लेकिन गिटार शारा ना ना वह कहता है वह एक शारा लिखा सा ना ना अगर शारा ना मार दे बेहद मैं तो क्या अपना खुदा मनी की ना एक खौफ आ जाए ना तेरे पहले कुछ नहीं फंदी साहब ना शेरा मेरे सजरो ऐसी आदम तू पहले मुटू जिसका साढ़े मोहब्बत आले मेरे सरनामी मरहूम राजा आबू साहब सरदादे शोएब आबू साहब तशरीफ लखड़े असंत अपू वेलकम और जिथे भी दोस्तों बाबा की कोई जगह मिली तशरीफ रखो ये सरकार की महफल है जिथे भी जगह मिल गया चाहे एक नीमत एक नीमत है तो मैं नातिया मजबूर शुरू किया सा मुख्तसर जी इंतजा इस्तदा तो बाद हजूर ताजे ताजदारे हरम ने शान मुतारा कि 1,24,000 कौम बेश अंबियावा नबिया रसूल आवा और खत्मुल मुर्तबात मर्तबात और खत्मुल नबियीन आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत बाद सारे नबी नबुवत रे दरवाजे बंद हो गए ऐ नबी जे भी नबी आए अपने कुंबे कबीलिया तक महदूद रहे दूसरा नबी आया उसका दीन राइज हो गया उस अगले का दीन मौकूफ हो गया लेकिन सारे नबी जिस आए अल्लाह फरमाया मैं जहाना में रब तो तू जहाना ने वास्ते रहमत बना के तुझे भेजा आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजा उस नबी का जिक्र खैर है शेर में क्या पढ़ना पैसा पर उन सादे सादे लफ्ज़ में नात पढ़ना चाहिए फिर क्या नहीं बरादरन ना कोई ख्वाहिश है पीर साहब ने जुड़े शाह फरमा साहब फिर नसीर भी नसीर रहमतुल्लाह अलैह
आदे की थी मेरे सजनो ओ नबी क्या नबी लावा लोरिया बिच शामिल मेरे बेलियो ला दिया लोरिया बिच शामिल नूर नूर अंदर परता नूर दासी पर सरकार जिसले हाथ उठाने सर दुआ वास्ते लब खोले सर सदा वास्ते अखा आश्क बारी ने आलम विच होणियां सी तां मंगणे से कि खुदा मेरी गुनाहगार उम्मत नू बख्श दे। बड़ा सोहना वाकया कि मैं सुनाना है सरकार ना चूंकि मिलाद दी महफिल है खाली शेर पड़ी ते टाइम पास कर रही ते पता चला कि अच्छा ते मिलाद ना वो ड्यूटी ड्यूटी नहीं होनी। इजराइल अलैहिस्सलाम आए उन्हां कोल नबी पूछ रहे ऐ इजराइल ये दसो कि तुसी रूह किस तरह कब्ज़े विच परवाज़ करने हो लोकां नहीं हो किस तरह कढ़ने हो। हुण इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने पे कि आका मैं जिस बंदे ने आराम लाल रूह कब्ज करना ना उसकी भी तकलीफ इस तरह होनी कि खारदार झाड़ियाँ पर कोई कपड़ा प्या हुआ है उसकी खिंचो तो उस कपड़े की जड़ी पोजिशन होनी तो नबी रोना शुरू कर दिता सारे और तुसा दे आका मौला रोना शुरू कर दिता। आ फरमाने ऐ इजराइल ये सारी तकलीफ मिकी चाहिए पर माड़ी उम्मत की कोई तकलीफ ना दे। उस नबी ने महफल शुरू है और उस नबी ने कहा मेरे सजनो इनका सारी ते आजजी एक पासे इनका सारी ते आजजी एक पासे दूजे पासे बौरोम जलाल भी एक पासे नबुवत शहनशाही ओ दूजे पासे फकीरा दा हाल भी मेरे बेलियो एक पासे कमजार तमाम दुश्मन नाल दर्दी ख्याल बलाल भी आदम अलैहि सलाम तो लैके तारीख ने कदे सफे उठाओ मेहरबानी एक गला वाली नोट करने जाया है जब तक बंदा बंदे की मिला ना
थोड़ी देर गुफ्तगू शरीद ना करे इतमाद बहाल नहीं होने नक्शा ना तक्यो बिना तक्यो मोहब्बत होनी ये सारे कमली वाले सब जिन्हें की लोगों तक्या भी नहीं साथ छोड़िया कि नबी ने एकदम शहीद होया पत्ती ने पत्ती काट दी ये सारे नबी का कमाल सी तक्या वो तक्के बाद जिसके आशिक गई साथी सफर कर जाए ना असा सारे दुआ करने रबे हजूर का गए अल्लाह पाक इसकी जन्नत फरदौस जगह अनायत फरमाया वो जन्नत सरकार ने दीदार नहीं पूछता वो जन्नत तस्नीफी के सरकार कदम रंजा फरमा इस वास्ते लिखने वाले लिखा वो जन्नत जिस मैं और जल्दी उस मजमून पर जाना है जिसने पर अजीजा निफाश ना तीना मजमून आसी नबी ने दो कॉल हम वक्त में दुराना भी रहना है तो दुराना रह सा इंशाल्लाह नबी फरमाने जिस मेरी रोजा है नमाज आप पर हाजिरी दी थी उस तो जहन्नम नहीं अगर हम है दूजी मरतबा सरकार फरमाने के जिस रोजा अनवार पर हाजिरी दे के मेरे रोजे की मोहब्बत नहीं निकाह ला तकिया कल कियामत वाले दिन मेरी शफात उसका लाजम है हूँ आम हाजरी और प्यार नाल तकने च फर्क एक बंदा 50-100-200 बंदा बैठा हुआ हर बंदे की बंदा प्यार नहीं निगाह ला नहीं तकना तक इसी कुछ आका की जरा प्यारा उसी उसे की प्यार नहीं निगाह ला तक सी बाकी की सरसरी निगाह ला तक सी नबी फरमाने जिस मेरे रोजे की प्यार भरी निगाह ला तक या कल कियामत वाले दिन मेरी शफात लाजम है फर्क क्या असी तुसी उमरा करने या हज करने या अल्लाह पाक जिसकी तौफीक देना उठा जाना लेकर उठू वापस आई क्या कोई बंदा एक गल दावे नाल नहीं आखना माड़ा उमरा भी कबूल हो गया तो माड़ा हज भी कबूल हो गया चूंकि मैं पैसे ज्यादा लाए कोई बंदा एक दावे नाल नहीं आख सका लेकिन असा तुसा ने कमली वाले फरमाने जिस सुबह उठी क्या अपने वालदैन ने चेहरे की मोहब्बत ना तकिया उसकी मकबूल आज ना सुहाब ये मोहब्बत प्यार नहीं गल है असाबे रसूल फरमाने या रसूल अल्लाह अगर ये अमल असा बार बार दोहराई जाए आपने फरमाया जितनी मरतबा वालदैन ना चेहरा तक सो मोहब्बत लाल तुसा की इतनी मरतबा मकबूल आज ना सुहाब हूँ नसीब अपने अपने कोई घर बैठे हो दस आज करा तो रोजा ने कोई सारी जिंदगी ना आज करा ये अपने अपने मुकदम तो नसीब की बात है पीर साहब पीर नसीरुद्दीन नसीर अहमदुल्ला है मैं शुरू करी देना हूँ ज्ञानी साहब ने फिर दसो सराज फैज साहब ने सारे मेहमान ग्रामी बैठे भी इन्होंने वालदे मोहतरम मरहूम अल्लाह पाक मिलादुन नबी ने सिलसिले विच उन्होंने आखिया मंजिला करवट करवट आसानिया फरमाए और जन्नतुल फरदौस से मकाम आला फरमाए अर्ज है कि उन्होंने भी माड़िया महफिल भेज तो सुनिया कदा कदा पता ही नहीं लगा तो पता उस ला जिस मैं करबला बड़ी चिट्ठी जी चादर की हुई ने तो उस मिले जी
मैं जी तुम इतना ही बेही रहे हो मी तो नहीं समझ लगी। उन्हें आख्या सुनिया गलिया भावे उतना बिहार भावे इतना बिहार ये उन्होंने मतलब है जिस मैं अर्ज की ना कि इंसान आजजी ये सब तो बड़ी बात है और इंसान लफ्जा ना लेकर खरीदया जाना तो जबान ना लेकर खरीदया जाए दौलत नाल कोई बंदा कद तुलिया नहीं तरह प्राप्त وہ میں عرض کر رہا سا پیر صاحب گئے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑی نے میں گل کرنا ہے آج عمرا کر واپس آ گئے ایئرپورٹ تو باہر نکلے مریدہ استقبال کیتے اصل عادت ہے نا تسا نہیں یہ اصا مسلمان ہیں جا عمرا حج کری مڑنا اصا اس نے اکھا بھی چمنے ہیں یہ روزہ رسول کی تکڑیاں رہی ہیں یہ خانہ کعبے کی تکڑیاں رہی ہیں اصا اس نے اکھا پر پیار لینے ہیں یہ کعبے نال ماس ہوئے جالیاں نال ماس ہوئے جنہ اکھا نے دل بھر ڈٹھا وہ عقیدہ کلیا سارا عقیدہ ہے تو پیسا واپس آئے ایئرپورٹ پر روڑے روڑے جس والا باہر نکلے نا تو اس والا ایک مرید نے پوچھا سرکار اجا گھر نہیں پہنچے اجا ہوں لڑے ہو بے سوتیا تو آئے ہو تو روڑے کی آئے ہو آپ نے ایک فلپدی شعر لکھا ہوتا ہے وہ کیا لکھا پی صاحب نے شعر سنا ارے پوچھو نا आप फरमाने पे औलाद ना मजबूत शुरू आ रहे अरे खुदा खुदा वाले ही जाने महबूबे खुदा क्या है जमाना क्या समझ पाए निशाने मुस्तफा का है अगर हासिल रसाई हो Yeah.
आसमान बड़ा ऊंचा है पीसा बने फलक को उस बुलंदी पर दीबो अजमत नहीं आसी जब ये खाक से पूछो मकामे नक्श पाका है बुरे हैं या भले आवा चंगे हैं या मंदे हैं पर फखर इस गल है कि सरकार ने उम्मीद है बुरे हैं या भले अमाल नाजा है शफाएत पे मुयस्सर उल्टी नेमत हो तो फिर खोटा खरा का है अरे खुदा शायद वो दुनिया में है हर नेमत से बेबेरा पवे नमाजा पढ़े पवे सजदे करे पवे रोजे रखे पर एक अमल नहीं तो फिर ये सारी चीजा ये चीजा वो केड़िया खुदा चाहे वो दुनिया में है हर नेमत से बेबेरा नहीं मालूम जिसको नस्बत खैरू बरा का आखिरी बोला ईसा बाड़े हजरत आला सलाम तू ला के आखिरी बंदे जी आ मजमा सजी गया जिसकी यौमन नशूर आखिर अशर में मैदान लगी गया तारीख गवाह आई 50,000 साल ना देना 25,000 साल गुजरने पे सारे नबी नबी पाक को लाए जनाब तुसी अर्ज करो अल्लाह ने हजूर के हिसाबो किताब शुरू है फिर कबली वाले सजदा रेज हो जा सा जिस अल सजदा रेज हो सर तो रहमत रब ने जोशी चासी ऐ कबली वाले सर उठा क्या मंगने मंग या खुदा हिसाब का किताब तो शुरू हो है ना 25,000 साल गुजर गए पीसा बने जिस अल ओ नफ्सो नफ्सी दा आलम होसी तो क्या ये माशर पुरसे आमाल दारो गीर का आलिम सीरा भूल के कदमों से निपट जा देखता क्या और मैं पीर साहब की ना सुना ला चूंकि इन फरमाइश की थी ये भी बोल पीर साहब ने पढ़े पीर साहब फरमाने केड़ी गल दिल में किसी को और बसाया न जाएगा God.
आशिक रसूल हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो सरकार पर जिसला गर्म पत्थर रखे गए छाती पर और गर्म रेत पर लटाया गया तो सरकार ने हथा पैर चेखा भी मारिया की गया चर्पी पिघलना शुरू हुई तो एक काफर ने एक आवाज दी कि है बिलाल हूं भी नामे मुहम्मद लाशे जाए तो बकौल पीर साहब ने कि बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने कि गल फरमाने आने कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के कहते थे ये बिलाल तशद्दुद पे कुफर के इश्क नबी को दिल से जगाएगा इश्क नबी को दिल से जगाएगा दिल में किस को और बसाया न जाएगा जिसके उसी दिल से बुलाया सिर्फ दो गल्ला साहबजादे ने सुनाई फिर मैं सुना रहा इमाम हसन और हुसैन जिन्हां ला सरकार दा बहुत प्यार सी घराना आ इत्थां ही नाल उन्हां दीआं दो गल्लां सुना सा इस हवाले नाल कि नबी फरमाणे हुसैन मेरे विचू मैं हुसैन विचू अली मेरे विचू मैं अली विचू जिक्रे हुसैन और इस पंचन पाक ने घराने नी नाल गल कर सरकार फरमाने कदासने से हुसैन ने औठा पर प्यार देने से हसन की भी चुभने से हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो सरकार ने मुशाबा से सरकार ने मुशाबा सा जरा जिसम ने अद तू अपन पकड़ा भी हिस्सा सी सरकार ना और नबी पाक लाल उन्होंने मुशाबत सी सरकार इतनी मोहब्बत नवासिया लाल करने सन इतनी मोहब्बत कि कई कई बारी असाबिया ये गल कही कि सरकार ने पुश्त पर सवारी करने में हुसैन हसन की तकिया सा इसका वाकया बड़ा एक अच्छा है तुसा ने होश गुजार कर लगाया एक दिन पढ़ो नमाज सुल्तान लगे क्या होया मेरे बेलियो अगे रब दे सी चुका लगे मेरे दोस्तों सजदे विच जा अहमद मुख्तार होए नबी सजदे विच गए सैयद पुश्त दे उत्ते सवार होए विच सजदे मुहम्मद लाचार होए वो गिरे हुसैन के कीड़ा हुसैन सरकार पुश्त पर सवार हो और सरकार सजा तबील करने जाने इतने भी जबरील अमीन नाजल होए
ऐ कमली वाले अल्लाह फरमाना जिचर दी हुसैन तुहाडी कंडी पर आ तुस पर सवार है इचर दी हुसैन दा लंबा करो हुसैन नु ना कर जाए इस आसमान विच क्या होया रवायता या सत्तर तो पता नहीं है लेकिन सत्तर नहीं रवायत मुकम्मल है इस वास्ते अगर जिक्र होया मेरे दोस्तों तस्बीह पढ़ी सत्तर बार सर ओ मौला भेजिया गई अकबर सरवर ओ ना हुसैन करियो बेजार सरवर ओ रानी हुसैन कर गाना मैं जान दे सर हुसैन उतरे ना नमाज पूरी हो गई बच्चे सर आखरे नाना जान कितनी तस्बीहां अदा कीतियां ने हजूर फरमाया बेटा मैं तो सत्तर तस्बीहां अदा कीतियां जिसले ये गल हुई तो फिर इमाम क्या फरमाया अरे कितनी बार पढ़िया नामा जान मेरे नबी क्या सत्तर विच जबान मेरे इमाम क्या मजलूम में पैमान मेरे वो पत्थर तलू में करबल मैं मेरे बेलियो जोड़ा जोड़ा कर जोर सब जोड़ दिते इस तरह जोड़ा जोड़ा कर जोर सब जोड़ दिते नबी अली अपना बनाया जोड़ा तलब खुशी हसनैन की ईद खातर जन्नत विचो जबरील लिया जोड़ा देखो ना बच्चे जिसल कपड़े लाए ना सादात से नवासाए रसूल से उन्हें भी कार अच्छी तरह अम्मा हजूर ने अगर अर्ज की थी अम्मा हजूर सारे कपड़े बेटा तर्जी की दिते हुए सलाने वास्ते पर कोई नहीं सर उन्हें की बनाने वास्ते एक कम सा जिसल बोल सुने फातिमा तो जोर आ रहे रब की रहमत जोश च आ गई तो क्या होया जोड़ा जोड़ा कर जोर सब जोड़ दिते नबी अली अपना अपना जोड़ा पर तलब खुशी असने खातर जन्नत विचू जबरी लिया जोड़ा क्या एक सुरख रंगा ते दूजा सबज रंगा सबज असल दे गल पहनाया जोड़ा ते क्या उसी कोई अब्दल कूट ना दिखेगा जमीन रमसी ये ओ हुसैन की खातर सजाया जोड़ा असल पाक जहर मिलया सी हुसैन शहीद हो गए सी अगर तुसने तलब है मैं सिर्फ लोग शुरू करने तो पहलू सिर्फ चूंकि मिलाद ना वाला है वरत है असल छाल नहीं होनी है का पैर इतना रखने तो दुआ वो मिजाज ही चला जाए मैं इस मिलाद ने हवाले सब कोई पिछलियां तो ही नहीं है क्या ख्याल है एक सिर्फ दो चार शेर है रूह की ताजा करण अर्ज है जिसल नबी नबूवत का ऐलान किया तो असाबे रसूल नबी ने दावा कर ले जिसल दावा कर ले पे हूँ बेटी फातिमा दामाद ऐली लेकिन गुरबत में कारा तकड़े पे सारे असाबी नबी ने दावा करने पे असा की करनी चाहिए पर अफसोस है सारे घर तो कुछ नहीं क्या होया एक दिन जन्नत खातून ने एली नु क्या राजा साहब एक दिन जन्नत खातून ने एली नु क्या लोग दावता करन हजूर दिया साड़ी शोक पर ताकत बनाउन दी ने निकलन तंगा ना गुरबत मजबूर दी ओ मेरा शर्म होए उस मौला दे हाथ विचे पैर पूरिया नजर मंजूर दी ते फिर क्या होया ओ अब तक ताए दे सबल प्यार विचे जुलदा
जन्नत खातून नु क्या मैं दावा था लोग दावता करना जोर दिया लोग दावता करने पे पर गुरबत तंगिया सना उठ्या वासा की कसा सरकार की तीसरा बुला क्या बात है फातिमा बेटी मुर्दे क्या होया मेरे बेटियो मुर्दे जन्नत खातून ने मीनू क्या कई गल उधर आई दलीला के या मौला एक
तेरा दरबार दिसदा क्या ओए अब्दुल सज्जे विच जन्नत खातून कैदी कोई कर तेरा सो सोवा दिसदा मेरे बेलियो इज्जत ते शर्म रख मौला इज्जत ते शर्म रख मौला ओ खाने जन्नत दे विचों प्यार कीते फलसफे की गल सुनया एक गल फलसफे की सुनया है इधर अली दी लीला दे विच आखे या मौला एक तेरा दरबार दिसदा अब्दुल सज्जे विच जन्नत खातून कहदी एक करम तेरा सो सवार दिसदा उधर क्या कीता इज्जत ते शर्म रख मौला खाने जन्नत दे विचू तैयार कीते हुक्म क्या आया ओ खाने जन्नत दे मौला सरकार कीते किस्म किस्म दे खाने नजी चुन के लजत पा दूनी लजतदार कीते अब्दुल अली खातून आखरी बोल आ उस तो बाद दो मिनट में ब्रेक आया टी ब्रेक फिर सफर ब्लू का थोड़ा जा बोल कराना आया जिसने मैं गल करना पिया के मेरे पेलियो मदनिया बगियां जगतिया पाक कर फातमा दे नौकरां लोगों ने तकिया करजी बनिया इस खादार दिवाले जन्नत तपी मेरे मलाइका चकिया क्या होया उन्होंने फरमाइशी चिट में था चाहिए थोड़ी देर के बाद फिर उसके बाद राजा अजीम के अनुसार सुनारी मैनेजर जी असा की चमकनी चीज ता नजर ऐसी कोई असा की भैन मिसी एडवांस असा पता भाई पता है राजा नसार साहब ठीक है ना राजा गुरफाम साहब रुजा राजा मकसूद साहब राजा फजल सैद साहब रुजे नलग शेर भोला शाह डकार ख्वाजा इरफान और चौधरी मुबशर यूके राजा सारत जमिया अरशद राजा यूके नसीम कियानी साहब अमजद राजा राजा आतफ हैदर नवीद शाह बूटा और राजा नदीम एडवोकेट ये मैं अपनी तरफ पढ़ना उन्होंने लिखा चौके जी फरमाइश की जिन्हें बोला नहीं वो बहुत सारे गोश गुजार करने मैं मन ने ग्रामी शोए बाबा साहब उन्होंने जितने भी साथी है सारे भाई साबर साहब आए कठारते और जुफकार और इन्होंने अजीज सारे अजीज अंसर और शाहपान बिस्मिल्लाह
भाई राजा हुसैन साहब राजा निसार साहब पिछड़े रहे सही की याद और फिर खसूस इन्होंने बुजुर्ग बाबू साहब सारे मोहतरम राजा आप सामने हो बोल वो छोड़े ले रंग चे Yeah.
شہید نصیر رحمتہ اللہ زندگی نے آخری مراحل سرکار ایک آخری لمحے چ بول لکھیا جس نے بول لکھا نے سرکار کچھ ہی دنوں تو بعد وصال فرما لیا بڑا بہترین بولا سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کتاب پر تزمینی کتاب لکھنے پسند تو سرکار ہو استعمال کیتا اپنے بول پیر صاحب نے تو پیر صاحب نے بول لکھا یہ آخری بولا اس کے بعد دو بول پہاڑی طرز پر چونکہ پہاڑ چ بیٹھے ہیں وہ تر تو پھر اس کے بعد شیر دنیا جا سکتا پیر صاحب فرمانے شامل کر رہے ہیں بھائی صاحب صاحب بیٹھے ہو رہے عزیز کے ساتھ پیر صاحب فرمانے We'll be right back.